बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट ऑफ मैटर। हम इंट्रोडक्शन टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसमें फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, दैट इज गैसीय स्टेट ऑफ मैटर। अब गैसीय स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। गैसीय स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो गैसीय स्टेट ऑफ मैटर आपके पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहली भी फिजिकल स्टेट्स जो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़े, तब भी मैंने आपको इसकी थोड़ी सी ग्लेंस आपको दी थी कि स्टेट ऑफ मैटर आपके पास जो गैसीय स्टेट होते हैं या लिक्विड स्टेट होते हैं या सॉलिड स्टेट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे। तो जो स्टेट ऑफ जो गैसीय स्टेट आपके पास होते हैं उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो सबसे वीक होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया आपको कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन विद ग्रेट स्पीड। जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो हर डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट्स कर सकते हैं विद ग्रेट स्पीड, ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, अब उनको रोकना कैसे है? तो गैसेस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या आप गैसेस को कैसे रोक सकते हो? फिर तो गैसेस को रोकने के लिए फिर आप कंटेनर के वॉल्स का सहारा लेते हो। जो कंटेनर आपके पास होता है, जो बर्तन होते हैं, जैसे कोई सिलेंडर है आपके पास, कोई गुब्बारा है आपके पास या कोई और चीज़ें, तो उसके वॉल्स का सहारा, उसके दीवारों का सहारा आप लेते हो, तब आप गैस को रोक सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे और आपके पास गैसेस जो है वो दूर दूर होंगे एक दूसरे से और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे और उनको हम सिर्फ कंटेनर से रोक पाएंगे, तो वो क्या होंगे? तो उनके ना तो डिफिनेट शेप्स होंगे, ना उसके खास, मतलब डिफिनेट मीन फिक्स शेप होंगे, खास शेप भी उनके नहीं होंगे और ना ही उसका खास वॉल्यूम होगा। ठीक है, और जितना वॉल्यूम मिलेगा उसको वो सारा वो ऑक्यूपाई करेगा। अब कैसे? तो देखिए, आपने जैसे मुख्तलिफ शक्ल के गुब्बारे देखे होंगे, ठीक है, हम जिस गुब्बारे में भी हम हवा भरते हैं तो वो हवा की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, वो उस गुब्बारे के शक्ल पे डिपेंड कर रही होती है। अगर गुब्बारा आपके पास गोल है तो उस तरह का शक्ल हो जाएगा, अगर गुब्बारा आपके पास क्यूब की तरह है तो उस तरह का शक्ल हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ अशकाल के जितनी भी आपके पास गुब्बारे होते हैं तो गैस भी उसी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो कंटेनर जो वॉल्यूम होता है वो भी उनके कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास परस करें 10 kg सिलेंडर है, आपके पास 10 kg कैपेसिटी उस सिलेंडर में है, मतलब कि वो सिलेंडर 10 kg तक गैस उसमें आ सकती है और आप उसमें आधा किलो या 1 kg डाल देते हो, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि वो गैस जो है वो किसी कोने में जाके उसके अंदर बैठ जाए। ठीक है, वो सारे जितना भी कंटेनर है वो सारे कंटेनर को वो घेर लेगा, मतलब कि जितना भी इस कंटेनर का वॉल्यूम है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। टिपिकल मींस जनरल प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टी जो सारे गैसेस जो है वो शेयर करते हैं, मतलब कि जो किसी है खास गैस के लिए महसूस नहीं होती, वो सब गैसेस के की होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, आम खसूसियात। ठीक है, जैसे द फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट वॉल्यूम। तो सारे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फिक्स नहीं होता, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट या फिक्स। ठीक है, मतलब ये कि नॉट फिक्स्ड, इंडिपेंडेंट आर नॉट डिपेंडेंट। तो गैसेस है नॉट डिपेंडेंट वॉल्यूम या गैसेस है नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, है नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, उनको जितनी जगह मिलती है वो घेर लेते हैं। गैसेस की कोई खास वॉल्यूम नहीं होती और उनको जितनी जगह मिलती है वो घेर लेते हैं। क्यों? तो हमने पढ़ा कि इनके बीच में वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, प्री मूवमेंट्स करते हैं ऑल डायरेक्शन में, और इसी वजह से वो जितनी जगह उसको मिल रही होती है वो सारी जगह वो क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है गैसेस हैव इंडिपेंडेंट शेप। तो गैसेस डू नॉट हैव डिपेंडेंट शेप, गैसेस का कोई ख़ास शक्ल नहीं होता, एंड बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड, और जो कंटेनर में, जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है उसी कंटेनर का शेप ये इख्तियार
कर लेगा। जैसे मैंने आपको अभी गुब्बारों का एग्जाम्पल दिया, तो आपके पास जिस शक्ल के भी गुब्बारे, जिस शक्ल का भी सिलेंडर आपके पास होगा, तो गैस भी उसी शक्ल को इख्तियार कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो सारे गैसेस में है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि डिफ्यूजन डिस्क्राइब्स द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब ये कि डिफ्यूजन हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे एक ऐसी जगह से जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार ज़्यादा हो, एक ऐसी जगह मूव करते हैं या मोमेंट करते हैं जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स एक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली, ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह पे मोमेंट कैसे करते हैं, तो ये हम डिफ्यूजन, इन सबको हम डिफ्यूजन कहते हैं, और इसको हम डिफ्यूजन के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम मोर क्राउडेड रीजन टू अ लेस क्राउडेड रीजन। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो आपको कह रहे कि मॉलिक्यूल्स की ये कोशिश कि वो मूव करें ऐसी जगह से जहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे वो ज़्यादा है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लेस क्राउडेड है, मतलब कि कम है, ठीक है। वंस द मॉलिक्यूल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम, देयर विल बी नो नेट डिफ्यूजन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब आपके पास वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आपके पास तब नेट नॉन नेट डिफ्यूजन आपके पास होगा, मतलब कि कोई डिफ्यूजन आपके पास तब नहीं होगा। यहाँ पे नेट का मतलब है कि अगर हम, मतलब डिफ्यूजन तो हो रहा होता है ऑल टाइम, ठीक है, लेकिन उनकी मिकदार अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। नॉन नेट डिफ्यूजन मीन्स कि कोई आपके पास अभी डिफ्यूजन आगे नहीं होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन तब जब आपके पास सारे मॉलिक्यूल जो है वो इवनली, मतलब कि इक्वली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। इसकी मिसाल आप अपनी लाइफ से ले लेते हो, जैसे आप स्प्रे करते हो घर पे कोई परफ्यूम, आप अपने ऊपर स्प्रे करते हो, तो वो परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं वो आपके पास हवा में होते हैं, तो वो उस जगह से जहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं, मतलब कि आपके करीब में से, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो कम होते हैं, आपसे कोई दूर बैठा है उसको वो स्मेल पहुँच जाती है, तो वो कैसे पहुँचती है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि वो स्प्रे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हवा के साथ मिक्स होके मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ऐसी जगह से जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई है, किसी ऐसी जगह मूव करते हैं जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है। तो इसके बाद है गैस मॉलिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट रेंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स गैस के जो होते हैं वो रेंडम मोशन में होते हैं। रेंडम मीन्स बेतरतीब, जो किसी भी डायरेक्शन में होती है, मतलब कि किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट्स ना हो, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कभी इधर भाग रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे होते हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है, इसको, ऐसे मोशंस को हम रैंडम मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मुसलसल रैंडम मोशन में होते, ठीक है। बट ऑफ दिस मोशन, बिकॉज ऑफ दिस मोशन द गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस वेरी क्विकली एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और इन्हीं मोशंस की वजह से, इन रैंडम मोशंस की वजह से जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं बहुत तेज़ी से, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आप यूनिट वन में पढ़ चुके होते हो कि वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो इवनली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं या कंपोनेंट जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसमें आप नहीं बता सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। जैसे आप चीनी को पानी में हल करते हो, तो आप फिर नहीं बता सक रहे होते हो कि चीनी कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है। तो इस तरह से नमक को पानी में हल करते हो, तो फिर आप नहीं बता सकते कि पानी कहाँ पे है उसमें और नमक कहाँ पे है। तो ये आपके पास है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा इसका जो उल्टा था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। अगर आपको याद, तो हमने जब चाक को पानी में डाले तो वो चाक आपके पास उसमें दिख रही होती है, कोई भी बंदा इजीली बता सकता है कि इसमें चाक हल की गई है इस पानी में, ठीक है। क्योंकि वो चाक के पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और आंखों से दिख रहे होते हैं, तो इस वजह से उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, और इसी मोशन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब डिफिनीशन है डिफ्यूजन की, कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मीन्स जो यकदम होती है आपके पास, एक साथ होती है। तो गैसेस, डिफरेंट गैसेस आपके पास, अगर आप उसको एक दूसरे के साथ मतलब खुला छोड़ देते हो, तो एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली यकदम या खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है, तो क्योंकि हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, बेतरतीब मोशन में होते हैं, कोई उनकी तरतीब नहीं होती मोशन की, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब आपके पास कोई मोशन की कोई तरतीब नहीं होती ना, तो तब कोलिजन होती है, टकराव होती है आपके पास, तो टकराव से आपके पास वो डिफ्यूजन काज होती है, ठीक है। तो दो वजहों से डिफ्यूजन काज होती है, एक रैंडम मोशन से और दूसरा कोलिजन से, ठीक है। तो ये दो वजह जो है आपके पास ये डिफ्यूजन काज कर रही होती है। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस या मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक हमने फर्स्ट लाइन में डिफिनेशन पढ़ी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, एंड सेकंड आपके पास क्या है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया, रैंडम मोशन जब भी होगी तो आपके पास कोलिजन होगा, जैसे कि जब ट्रैफिक में आपके पास कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे होते और हर कोई बंदा अपनी मर्जी से जा रहा होता है, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में, जैसे चौक में आप देखते हो, तो ये ट्रैफिक वाले क्यों खड़े होते हैं, ताकि अगर वो एक रोड को खोल देते हैं, मतलब कि उसकी गाड़ियों को इशारा करके जाने को कहते हैं, तो दूसरे रोड को वो स्टॉप कर लेते हैं। अगर वो सबको कहे कि बस आ जाओ, सभी मिक्स हो के, मतलब कोई एक तरफ से आ रहा है, कोई दूसरी तरफ से आ रहा है, तो तब एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होगा। तो चूंकि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में रेंडमली मोशन कर रहे होते हैं, तो उनमें कोलिजन होती है, और ये दो वजूहत होती है, मतलब कि रेंडम मोशन और कोलिजन, जो कि डिफ्यूजन का बायस बनती है, गैसेस मॉलिक्यूल के मोमेंट्स का बायस बनती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, आपके पास फर्ज करें एक गैस है जिसकी एक खास बू है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मीन्स खास बू है उसकी, इज रिलीज एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, सून इट स्मेल्स विद विल स्प्रेड इन द होल रूम। अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है आपके पास जिसका कोई खास बू है जिसकी, और आप उसको एक कॉर्नर ऑफ द रूम में, मतलब किसी कमरे के किसी कोने में आप उसको स्प्रेड रिलीज कर लेते हो, तो वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे कमरे में, ठीक है। सिमिलरली, अगर आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड है जो खुद बहुत वेपोरेट हो रहा है, जैसे कि स्पिरिट होता है आपके पास, परफ्यूम्स होते हैं मुख्तलिफ, अगर आप उसको खुला रख देते हो तो उससे वेपर जोड़ते हैं, खुद बहुत वो वेपोरेट होता है, तो वो भी आपके पास एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। इसी तरह से अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो गैस के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं वो डिपेंड, वो गैस टू गैस मुख्तलिफ होते हैं आपके पास, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, ठीक है, उन्होंने 1833 में एक लॉ पेश की थी जिसको हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, और उसके मुताबिक ये था कि जो गैसेस आपके पास लाइटर होंगे, हल्के होंगे, वो तेज़ मूव करेंगे बनिस्बत उन गैसेस के जो हैवी होंगे, ठीक है। इस लॉ को हम और डिटेल से पढ़ें तो इस तरह हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास अगर दो गैसेस है और उसमें एक आपके पास हल्का है और दूसरा आपके पास भारी है, तो वो गैस जो हल्का है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा बनिस्बत उसके जो भारी है आपके पास, ठीक है। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा कि वीक, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनके दरमियान। अब अगर वीक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फ्री होंगे हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। जब वो फ्री होंगे हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो उनका कोई फिक्स शेप या डिपेंडेंट शेप नहीं होगा। तो हमने कहा कि नो डिपेंडेंट और फिक्स शेप, ठीक है। अब डिपेंड करता है कंटेनर पे, उनका शेप किस पे डिपेंड करता है, कंटेनर पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो स्प्रेड आउट होंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे हर अवेलेबल वॉल्यूम को, तमाम जितना भी उसको वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो सारे को वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्री मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और वो कंटेनर पर डिपेंड करता है और सारी जगह को घेर लेता है जितनी भी उसको अवेलेबल होती है। फिर हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ी। हमने पढ़ा कि
गैसेस जो होते हैं उनके इंडिपेंडेंट शेप होते हैं और इंडिपेंडेंट वॉल्यूम होते हैं, उनका ना कोई खास शक्ल होता है ना कोई खास वॉल्यूम उनका होता है, और वो डिपेंड करते हैं कंटेनर पे, जितनी जगह उनको अवेलेबल होती है उस पे, ठीक है, जितनी जगह उसको अवेलेबल होगी उतनी जगह वो गिरेंगे, और जितना जिस तरह का शक्ल कंटेनर का होगा उसी तरह का शक्ल गैस का भी होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट शेप किस पे, क्यों डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट शेप गैस का होता है, उनका कोई खास शक्ल नहीं होता, और ये शक्ल उनका गैसेस का किस पे डिपेंड करता है, तो गैसेस का शक्ल जो है वो डिपेंड करता है कंटेनर पे। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इंडिपेंडेंट वॉल्यूम होता है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और उनका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, ऑल दी अवेलेबल स्पेस पे, कि कितना स्पेस उसको अवेलेबल है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम उसका होगा गैस का, अगर कम स्पेस अवेलेबल होगा तो कम वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। फिर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी डिफ्यूजन, और हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन है मॉलिकुलर मोमेंट्स को कहते हैं या स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को कहते हैं, फ्रॉम हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जिस डिफ्यूजन क्या कहते हैं कि जिसमें मॉलिकुलर मोमेंट्स होती है, मॉलिक्यूल मोमेंट करते हैं फ्रॉम हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने रीजन पढ़े कि क्यों ये मोमेंट्स क्यों होते हैं हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे, तो हमने पढ़ा क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होते हैं, तो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन से कोलिजन होगी, और कोलिजन से आपके पास वो मोमेंट्स जो है वो काज होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन का जो स्पीड है, रेट है आपके पास, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा कि 1833 में एक साइंटिस्ट थे इंग्लिश जिसका नाम था थॉमस ग्राहम, ठीक है, और थॉमस ग्राहम ने एक लॉ पेश की थी, ठीक है। बट उस लॉ से पहले हम थोड़ा उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया था कि उन्होंने एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लिया जिसके दोनों एंड्स जो है वो ओपन थे, ठीक है, एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लिया जिसके दोनों एंड्स आपके पास क्या हो, ओपन हो, ये वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है आपके पास, और इसके दोनों एंड्स, ये भी एंड और ये भी एंड आपके पास ओपन है, ठीक है। फिर हम इस इन्होंने दो सोल्यूशन लिए, एक NH3 सोल्यूशन और दूसरा HCl सोल्यूशन, ठीक है, और एक दो कॉटन प्लग्स लिए, मतलब जो रुई होती है ना, मालूच जिसको आप पश्चिम में बुलाते हो, तो वो लिए, और उसको एक को NH3 सोल्यूशन में डिप किया और दूसरे को HCl सोल्यूशन में, और पिन उनको एट अ टाइम सेम टाइम पे एक को यहाँ पे रखा और दूसरे को यहाँ पे रखा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो ये HCl और ये NH3 इस इनके ये जो कॉटन प्लग्स में इनका जो सोल्यूशन है, जो इन कॉटन प्लग्स ने जज़ब किया हुआ है, उनसे निकलेंगे और वेपर्स आपके पास मोमेंट्स काज होगी। अब मोमेंट यहाँ पे बाहर भी होती है लेकिन वो हमारी कंसर्न नहीं है, यहाँ भी होगी वो भी हमारी कंसर्न नहीं है, हमारी कंसर्न सिर्फ वो मोमेंट्स है जो इन ट्यूब्स के अंदर हो रही है, इस ट्यूब के अंदर। तो यहाँ से भी HCl का सोल्यूशन मूव करेगा, यहाँ से NH3 का सोल्यूशन मूव करेगा, जब भी आपके पास NH3 और HCl रिएक्ट करते हैं तो वो NH4Cl बनाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको वाइट फ्यूम्स की तरह दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, वाइट फ्यूम्स, फ्यूम्स ऐसी धुआं सा होगा यहाँ पे वाइट कलर का, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, NH3 मोमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हुई, HCl की मोमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई, तो वो एक जगह पे मिलके उनको वाइट फ्यूम्स मिला। अब जब उन्होंने वो वाइट फ्यूम की डिस्टेंस मेजर की HCl सॉल्यूशन से और जो NH3 आपके पास जो कॉटन प्लग है उससे दोनों का डिस्टेंस मेजर किया, तो इनको पता चला कि HCl की तरफ से तकरीबन कोई 40 सेंटीमीटर का फासला जो है वो तय किया गया है, जबकि NH3 की तरफ से 60 सेंटीमीटर का। अब हमने तो इन दोनों को एक साथ रखा था, एक दम रखा था, एक मतलब एक ही वक्त पे रखा था, फिर ये इसने ज़्यादा और इसने कम डिस्टेंस क्यों तय किया, दैट मीन्स कि ये इनके कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इनकी अगर मॉलिक्यूलर मास आप मालूम कर लें, तो अगर हम NH3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें तो हम NH3 दैट मीन्स कि 3-1 नाइट्रोजन है इसमें और एक हाइड्रोजन। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करना हो तो आपने क्या करना है, पहले उस कंपाउंड को देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। अब यहाँ देखें तो इसमें कैपिटल लेटर्स जो आपके पास है वो दो है, दैट मीन्स एक N है और दूसरा H है, तो N मीन्स नाइट्रोजन एंड H इज़ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है। तो हमने देखा, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो है, अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर उसके साथ है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये 1 है, और यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स कि ये 3 हाइड्रोजन है। मतलब ये कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिले हैं तो तब एमोनिया बना है।
अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, तो हमने ये यहाँ पे ये वन जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पे वन नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन की एटॉमिक मास जो होती है वो 14 होती है, तो हमने 1 × 14 कहा, ठीक है। फिर तीन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की मास होती है 1 AMU, तो 3 × 1 आपके पास 1 × 14 14 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे फिर 3 × 1 = 3 आपके पास, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 AMU आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए HCl का अगर हम मालूम करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है 1 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 1 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1 तो हमने 1 लिखा और क्लोरीन के एटॉमिक मास है 35.5 तो हमने 35.5 लिखा, दरमियान में हमने प्लस लगाना है क्योंकि हमने इन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास ये हुआ और इनके एटॉमिक मास ये हुआ आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 35.5 इससे आ जाएगा 36.5। अब देखिए 17 ज़्यादा है या 36.5, ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा है 17, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको रिलेट करें इन डिस्टेंस से, तो किसने डिस्टेंस ज़्यादा किया हुआ है, ये 17 वाले ने या ये 36.5 वाले ने, तो हम देखें तो इनिश 3 ने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना, दैट मीन्स के 17 AMU वाले ने। अब इन दोनों में यही आपके पास फ़र्क है कि जो आपके पास कम मास वाला है, जिनकी एटॉमिक मास कम है या जिनका मॉलिक्यूलर मास कम आ रहा है, जो हल्का है आपके पास लाइटर है, वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा बनिस्बत उनके जो हैवी है आपके पास, जिनके एटॉमिक मास क्या है ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह से इनिश 3 ने 60 सेंटीमीटर का फासला तय किया, जबकि HCl ने 40 सेंटीमीटर का फासला तय किया और टोटल आपके पास कितना था 100 था। तो इससे इन्होंने एक लॉ पेश की जिनके मुताबिक क्या था कि लाइटर गैसेस जो होंगे डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस, ठीक है, लाइटर गैस हैवियर गैसेस से क्या होंगे तेज डिफ्यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टिपिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ इफ्यूजन। इफ्यूजन और डिफ्यूजन में फ़र्क ये है कि डिफ्यूजन में स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, स्पॉन्टेनियस मीन्स यकदम एक साथ दो गैसेस जो है वो हम मिक्स करते हैं, ठीक है, थीके? जबकि इफ्यूजन में जो मिक्सिंग होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है। कंट्रोल्ड वे मतलब ये कि वो एक छोटे से सुराख के ज़रिए आपके पास अगर दो गैसेस एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसको हम इफ्यूजन कहेंगे, लेकिन अगर वो एकदम से मिक्स होते हो तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आप परस करें, आपको कोई एकदम से बच्चों को छोड़ दे स्कूल में और एक कहीं जैसे ब्रेक में होता है ना, बच्चे बाहर निकल जाते हैं सारे एकदम से, तो वो सारे आपके पास क्या है डिफ्यूजन की मिसाल है, ठीक है। और अगर हम फिर उनको लाइन मतलब छुट्टी के टाइम जब वो छोड़े जाते हैं, जैसे कि लाइन बाय लाइन उनको छोड़ा जाता है, एक एक करके उनको छोड़ा जाता है, तो वो आपके पास फिर क्या है इफ्यूजन है आपके पास, ठीक है। जब भी आपके पास दो गैसेस कंट्रोल्ड वे में एक मुनज्जम तरीके से एक होल के ज़रिए मिक्स होंगे तो उसको इफ्यूजन कहेंगे, और जब वो रैंडमली मिक्स होंगे, ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली मिक्स होंगे तो उसको हम फिर डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें डिफ्यूजन, इफ्यूजन की डिफिनेशन आपको लिखवाई गई है इफ्यूजन कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू पास थ्रू अ होल ऑफ साइज ऑफ द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम कैन पास थ्रू द होल। जैसे वो दरवाज़ा होता है जिसमें से एक बंदा एकदम एक टाइम पे गुजर सकता है, तो आप कह रहे हैं कि जब हम गैस मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगे, उसको इजाज़त देंगे कि वो एक ऐसे होल से गुजरे जिसका साइज़ जो है उस होल का वो मॉलिक्यूल के साइज़ के बराबर हो, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक वक्त पे उस होल में से पास हो सकेगा, तो द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट वन बाय वन विदाउट कोलिजन थ्रू अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इज कॉल्ड इफ्यूजन। आपके पास एस्केप मतलब भागना जिसको हम कहते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर भागे किसी गैसियस स्टेट में, आपके पास मॉलिक्यूल्स है और वो एक कंटेनर में से जिसमें वो कैद है उससे भागे, लेकिन एक होल के ज़रिए एक सुराख के ज़रिए, और उस सुराख का जो साइज़ है वो क्या है वो मॉलिक्यूलर साइज़ हो, और तो उसको हम कहेंगे इफ्यूजन। अब आपने याद रखना है जब आपके पास कंट्रोल्ड वे में कोई चीज़ जा रही होती है तो उसमें फिर कोलिजन की नौबत नहीं होती, मतलब वो कोलाइड नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। यू कैन स्मेल द ऑनियन इवन व्हेन द बैग इज टाइटली सील्ड ड्यू टू इफ्यूजन। जब आप किसी एग्जांपल आप घर पे एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हो, आपने एक शॉपर लेना है, उसमें प्याज लेनी है, ठीक है, और उस शॉपर को आपने फिर एक रबर बैंड से या एक धागे से आपने उसको बांध देना है टाइटली, ठीक है,
आप फिर भी देखेंगे तो थोड़ी कुछ दिनों बाद आप उसको स्मेल करोगे, ऊपर उसके ऊपर नाक ऐसे, वो जो जहाँ पे वो शॉपर होता है उसके ऊपर आप ऐसे नाक रखोगे तो आपको उसका स्मेल महसूस होगा, या उसी टाइम भी आप देखोगे तो आपको उसका स्मेल महसूस होगा, क्योंकि आप उसको जितना भी टाइटली बंद कर लेते हो तो उसमें फिर भी आपसे ऐसे होल रह जाते हैं जो कि मॉलिकुलर डायमेंशन के होते हैं, जिसकी वजह से वो जो गैस जो प्याज होते हैं उनके जो वेफर्स होते हैं जो वो बाहर निकल रहे होते हैं और आपको उनका स्मेल महसूस हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, इफ्यूजन के कुछ डायग्राम्स हैं ये देखें। तो आपको ये एक शॉपर है, उसमें प्याज रखे हुए और इसको टाइटली बॉन्ड किया हुआ है, तो इससे फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है ये निकल रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक ये एक बैरियर रखा हुआ है, एक मतलब एक रुकावट है जो इन दोनों को मतलब रेंडमली या स्पॉन्टेनियसली मिक्स नहीं होने दे, और यहाँ पे एक सुराह है मॉलिक्यूलर साइज का। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स, ये जो यहाँ पे गैस है ये ज़्यादा है, तो ये इस होल के ज़रिए यहाँ पे इस कंटेनर में आ रहे वन बाय वन, तो इसको हम कहेंगे इफ्यूजन। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस है, टिपिकल प्रॉपर्टीज़, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।